व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का जो वीडियो है वो है मेरी बाइक के मॉडिफिकेशंस के ऊपर। जैसा कि मेरी बाइक करंटली 46,000 किलोमीटर्स हो चुकी है और अभी तक जितने मॉडिफिकेशंस है वही मैं बताऊंगा। अपडेटेड वीडियो आने वाला है। 2022 का जो डोमिनर है उसका वाइजर मैंने ऑप्ट किया है। कार्बन रेसिंग निकालने का रीज़न ये था कि गाड़ी जो है वो 46,000 हो चुकी है, सो आई जस्ट वांटेड अ चेंज। फैंटास्टिक वाइजर है, एब्सोल्युटली वर्क्स फैबुलस। ये इंडिया में सिर्फ ऐसे दो बाइक्स है, एक है जो दीपक कामत सर का है जो अभी वर्ल्ड राइड पे गए हैं, साउथ अफ्रीका टूर कर रहे थे, और दूसरा राहुल ब्लॉक्स की गाड़ी पर है। ये मेरा एक्चुअल जो बाग बस्टर्स है ये वो वाला रॉड है हैंडगार्ड का, उसका कवर निकाल के मैंने कस्टम इसको बिल्ड किया है। ये जो सेक्शन है इसको कस्टम, ये अभी रस्टेड इसलिए क्योंकि अभी तक प्रोटोटाइप है, इसके ऊपर अभी जब पेंट वगैरह सब होएगा तब ये फाइनल हो जाएगा। इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आपके भाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, एंड ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर स्लीव, ये आप लोगों ने एक्चुअली निकनेम दिया है, एंड आई रियली लाइक इट। डॉक्टर स्लीव अपना ऑयल सील जो है उसको डैमेज होने देता नहीं है, डस्ट से होगा ना, मिट्टी से होगा ना, पत्थर से होगा, एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर फोक्स एंड इट इज नेवर गोइंग टू ब्रेक योर सील। किसी भी राइड पे जाओ, इंदास जाओ, डेली चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना प्रोडक्ट है, इन हाउस प्रोडक्ट है। आपको चाहिए रहेगा आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या कारपेंटर विजय, जो दोनों इंस्टाग्राम आता रहेगा आप डीएम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मोटर फैंस का लाइट है जो मैंने अनिश भाई से खरीदा है, लोकेशन उनका डिस्क्रिप्शन में आता रहेगा, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई डोंट वॉन्ट टू ब्लाइंड माई व्यूअर्स बट भाई लाइट खतरनाक है बॉस। आई ऑप्टेड फॉर जाना क्रैश गार्ड। अभी ये जो कलर है ये मैंने कस्टम किया है, दिस इज नोन एज गन मेटल कलर। जाना का सबसे बेस्ट चीज ये था ना, ये गाड़ी के साथ में ना एकदम अर्गोनॉमिक्सली परफेक्ट दिखता था, एकदम देखो ना कैसा स्लीक दिखता है गाड़ी के साथ। इसका अगर रिव्यू मैं बताऊँ, मेरी गाड़ी इन टोटल 46,000 में 12 बार गिरी है, एंड आज तक मेरी गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आया, ऑल थैंक्स टू द स्क्रैच गार्ड। वेल, ये पाउच तो मैंने अमेजोन से लिया है, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली मेरे पास डर्ट सैक का फ्रॉगमैन सैडल बैग था, तो उसके साथ भी ऐसे ही पाउच आते थे जो मैंने दिमाग लगा के मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड सम हाउ दिस प्लेस इज बेस्ट। यहाँ पे आप बॉटल, चेन ल्यूब, WD-40, दुनिया भर की चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं, जो भी एक पाउच में बैठ सकता है। जैसे कि दिख रहे हैं ये ऑफ रोडिंग वाला फुट पैग है और इसके ऊपर अपने को रबर भी मिलता है, तो ये चीज़ मैंने 1,000 रुपये में बनाया था, दोनों आगे और पीछे, पीछे भी मेरे पास सेम है। तो ये हिमालयन के फ्रंट फुट पैग्स है जो मैंने आगे और पीछे दोनों जगह यूज़ किया है। मैंने पीछे के भी यूज़ किए थे बट वो टेढ़ा हो जाता है, उसके लिए मैंने आगे वाले ही पीछे डाले। दिस इज नोन एज कयाक, यानी कि अपना स्टैंडराइजर है डोमिनर का। पहले गाड़ी ऐसे खड़ी रहती थी, अब गाड़ी सीधी खड़ी रहती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जैसे कि मेरे पास डब्बा है, बैग्स वगैरह आते हैं ना, तो गाड़ी है ना बिल्कुल इस पोजीशन पर रहती है। और डोमिनर का जो स्टॉक स्टैंड है ना वो बहुत छोटा है, जैसे कि आप देखोगे ना, अगर मैं इसको निकाल दूँ तो ये एकदम बेंड हो जाएगी। इसके लिए ये जो स्टैंड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एंथुसियास्ट है, अगर आप एक टूरर है, डेफिनेटली इस स्टैंड को ऑप्ट करना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। दिस इज़ माई न्यू मोबाइल माउंट और इसको मैंने नाम रखा है बैट माउंट। वेल, ये मैंने तो इंपोर्टेड लिया है, ये अनिश भाई से मैंने लिया है, बट आजकल ASG करके ब्रांड है वो भी ये सेम टू सेम अभी बेचने लगा है। एंड इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि इसके अंदर मोबाइल अटक जाता है ना, तो 150 की स्पीड में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बजाज के सारे प्रोडक्ट्स पे मेरे को भरोसा है, ये उसका चार्जर है, एंड ये जो सेटअप आप देख रहे हैं फॉर होल्डिंग दिस, तो ये भी अपने को डोमिनर का अभी जो नया पार्ट्स आया ना 2022 का, उसका है ये। ये जो मिरर है इसके ऊपर मैंने कॉन्वेक्स लेंस मैंने चिपका दिया है, पहले मेरे पास एडजस्टेबल था, अब मैंने चिपका के रखा है। रीज़न ये है कि यार इससे ना मुझे अच्छा खासा सैडल बैग वगैरह, पिलियन सब दिख जाता है। ये सीट जो है मैंने कस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, ये मैंने स्पेशली बैक रेस्ट रखा क्योंकि अपन लॉन्ग राइड करते तो अपने उसको बैग वगैरह होता नहीं है, तो एक थोड़ा ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अभी फिलहाल मैंने ये जो सेटअप बनाया है इसमें परफेक्ट चल रहा है, 6,000-8,000 किलोमीटर आराम से हो गया है। अभी इस पर लेदर ये ओरिजिनल लेदर डाला और अंदर इसके अंदर कॉटन फोम है, सेम थिंग इसके अंदर भी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने थोड़ा सा स्कूप्ड अप रखा है, सुपर कुशन से बनाया, लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ सह्याद्री, फैबुलस प्रोडक्ट है, फैबुलस। सेम थिंग गोज टू द टॉप रैक, टॉप रैक की तो मुझे तारीफ ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने दूसरी बार खरीदा है। जैसा कि आप पीछे से देख सकते हैं, दिस बॉक्स इज एक्चुअली रियली रियली इन साइज, मस्त ग्लव्स रखने का स्पेस है, अच्छा खासा बॉक्स है, 40 लीटर या 45 लीटर समथिंग आता है ये। एंड ये जो बेल्ट है
ये मुझे एक्चुअली अपना जो सीट वाला है सुपर कुशंस, उन्होंने ही मुझे ये गिफ्ट किया है बना के। एंड मुझे चाहिए था कि थोड़ा भाई थोड़ा एडवेंचर बाइक जैसा दिखना चाहिए ना, तो वो फील मेरे को देने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। पट्टी जो होता है मेटल का, उसको मैंने कट कराया है, फिर SS के बोल्ट्स और तीन तीन बोल्ट मैंने डाले। तो ये जो ब्लू टैग क्या करता है ना, ये इसको वाटरप्रूफ बना देता है और पानी को एंट्री करने से रोक देता है, जिससे कि अपने इंडिकेटर्स का एक प्रॉब्लम है कि ये प्लास्टिक है ना, तो ये धीरे 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 ब्रिटल होकर गिर जाता है। एंड एक इंडिकेटर 600 का आता है। अपना जो चेन है वो रोल ऑन का है, और अंदर जो ब्रेक पैड्स है वो LRL मोटर के हैं, वेरसा के ब्रेक पैड्स आते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, वेबसाइट पे आते हैं निकल जाते हैं, आते हैं निकल जाते हैं, जैसे ही मिले तुरंत खरीद लेना। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि रियर ब्रेक का मैंने इश्यू कैसे सॉल्व किया, तो वो मैंने वेरसा के ब्रेक पैड्स डाल के सॉल्व किया है। ये मेरा करंटली था सारा मॉडिफिकेशंस। वैसे ही अभी रोज रोज जैसे वीडियोस आते रहेंगे, तो मॉडिफिकेशंस जो मैं उसका एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा।